सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती, खुद पर यकीन रखना, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी कभी आस नहीं होती। वक्त तो सिर्फ वक्त पे ही बदलता है, बस एक सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो किसी भी वक्त बदल जाता है। जहाँ संवाद ना हो वह संबंध व्यर्थ है, और जहाँ विश्वास ना हो वहाँ आगे बढ़ना ही व्यर्थ है। आज का पंचांग 4 मार्च 2021 दिन गुरुवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 9:59 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र रात्रि 11:55 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:06 से 3:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:14 से 1:01 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर शाम 6:20 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 4 मार्च 2021 आप आसानी से आगे होने वाली बातों का अनुमान लगा लेते हैं। आपकी संचार क्षमता भी प्रभावशाली और नजरिया खुला है, इसलिए जो आप चाहते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करें। हमेशा गलतियां ढूंढने की फिराक में रहने वाले आक्रामक लोगों के साथ उलझने से बचें। रचनात्मक और धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान रहेगा। चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए उन्नति के मार्ग भी खोलेगा। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका मान सम्मान बना रहेगा। लोगों द्वारा कही बातों को आप रोक नहीं सकते। आपके खिलाफ बोली गई हर बात का जवाब देना आपके लिए जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। लोगों के ऊपर विश्वास करने से पहले उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी लेनी होगी। करीबी रिश्तेदारों द्वारा बोली गई बातों की वजह से मानसिक तकलीफ का सामना हो सकता है। काम से संबंधित बड़ा टारगेट आज आपके द्वारा पूरा करने की कोशिश की जाएगी। विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न बढ़ाने होंगे। पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है। सावधानियां, अचानक ही कोई बड़ा खर्चा सामने आने से आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है, लेकिन इस समय धैर्य और संयम रखना जरूरी है। संतान की किसी नकारात्मक गतिविधि की वजह से चिंता रहेगी, लेकिन आपकी समझदारी व सूझबूझ से समस्या का हल निकल आएगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के आपसी संबंधों में नजदीकी रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा व देखभाल करने से आपको आत्मिक सुकून मिलेगा। आज आप ऐसे साथी से मिल सकते हैं जिसका आप सपना देखा करते थे। यह व्यक्ति आपकी ही तरह दिलचस्प और साहसी होगा। आप कुछ समय से इस तरह के व्यक्ति से मिलने की कोशिश कर रहे थे। प्रेम की चिंगारियां आप में रहेगी और आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे। उस व्यक्ति को धीमे से अपनी प्रेम रूपी भावनाएं व्यक्त करना ना भूलें। बात करते हैं करियर की। यह गतिविधियों और उपलब्धियों को याद करने या समर्थन करने का अच्छा समय है, और ये आपकी उपलब्धियों को मजबूती देगा कि आप रास्ते पर प्रथम हैं। ये समय नई शुरुआत के लिए अच्छा है, चाहे वह नई परियोजना या एक नई नौकरी को लेकर हो। इस ऊर्जा को तब तक बनाए रखने की कोशिश करें जब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। व्यावसायिक उद्देश्य को लेकर कोई नजदीकी यात्रा संभव है। अगर किसी नए काम की शुरुआत की है तो उसके उचित परिणाम भी मिलेंगे। अपने फाइलें व डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें, कोई उनका दुरुपयोग भी कर सकता है। बात करते हैं सेहत की। दूसरों के बारे में सोच समझकर खुद को तनाव ना दें, क्योंकि जब तक आप यह
सब करते रहेंगी, पूरी तरह व्यर्थ के सोच विचार और चिंता से उभर नहीं पाएंगी। अगर दवाइयों से अधिक फायदा नहीं हो पा रहा है तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना ही ठीक रहेगा। योग्य और ध्यान से बहुत आराम मिलेगा। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप पीले रंग के वस्त्र पहने या पीला रुमाल साथ रखें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।